सलामालेकुम, गाली मत देना यार, मेरी यूजर हो देते हैं यार। और भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। नाम सब हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे यहाँ का नज़ारा कैसा है। आज ये पूरे मतलब बादल छाए हुए दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आज दोस्तों बहुत दिक्कत है, यानी मतलब कि आज मौसम की वजह से आज धूप नहीं निकलेगा। आज कुछ ठंड यहाँ भी आ गई है, क्योंकि इंडिया जैसा हो गया दोस्तों। इंडिया में एक महीने या डेढ़ महीने तक ऐसे बादल छाए थे, तो वहाँ के लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो दोस्तों इस समय वहाँ मौसम एकदम साफ़ हो चुका है इंडिया में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे का नज़ारा ये कैसा है। ये आइए हमको दिखाते हैं आपको मेरी मूली कहाँ तक पहुँची। तो आइए आपको दिखाएंगे आज मुर्गी मतलब कितना सऊदी लाया है, और आपके और भी लोकेशन दिखाएंगे, और कुछ बातें भी करेंगे, आपको कुछ बातें बताएंगे। तो कोई हारन दे रहा उधर, बाद में देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरी मूली है, एकदम रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं ये, यानी मतलब कि अभी सब टाइम है, 10 दिन तक टाइम है दोस्तों। 10 दिन मतलब समझ लीजिए आप कि 10 दिन में आप इतनी मतलब उंगली तक हो जाएगी मोटी मोटी खाने के लिए। तो ये धनिया मेरी दोस्तों एकदम एक बार पीली हो गई थी, तो इसमें हरी हो चुकी है, देख सकते हैं ये। तो मैं इसको डेली उखाड़ उखाड़ के खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो जो बई लगाया दोस्तों ना, ये मैं ही लगाया था, ये मजलिस लाया था, खोद कहीं लगाया था, तो आज काफ़ी मोटी हो गई दोस्तों। ये हमें खाने को देगी, क्योंकि वजह है मैं खाया, खाने के लिए बहुत अच्छा हुई, बैर पसंद करता हूँ। तो दोस्तों एक और मैं मजरा लगाने वाला हूँ। तो ये मजरा देख सकते हैं, ये मैं इसमें कल पानी भर दिया था। तो इसमें लगाएंगे धनिया, पालक, मूली, यानी तीन चीज़ लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे, लगाने से क्या है कि इसमें लगा देंगे तो करीब 2 महीने तक खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको मुर्गी मेरा सऊदी कितना लाया। और 4-5 तो मर गई लाते ही, क्योंकि तो वो लाया था तो उसमें बंद किया था संदूक में ना, तो उसमें दब दुब के मर गई थी। तो मैं निकाला था, वो भी साथ में था, उसको फेंक दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे मुर्गी और काफ़ी सारी बातें आपको बतानी है यहाँ के रिलेटेड से। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं मुर्गी के। दोस्तों मैं कबूतर निकाल चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये सुबह सुबह निकाल दिया हूँ, वो खारे में डाल दिया हूँ, मतलब कि यहाँ बोलते हैं रोटी, या मतलब कि इन्हें खून के यहाँ डाल दिया हूँ। देख सकते हैं कितना खुशी से खा रहे हैं, और ये कितने बैठे हुए देख सकते हैं ऊपर, कितने अच्छे से आनंद ले रहे हैं। जब मैं आता हूँ उधर से दोस्तों, मैं अपना मेरा रूम के सामने, काफ़ी दूर है यहाँ से, 800 मीटर दूरी है, मतलब 700 या 800 मीटर दूरी है। तो ये हमें वेट करते हैं, तो मैं उधर से आता हूँ, कोई भी अगर बाल्टी है कुछ भी लेके आता हूँ, तो ये आवाज़ करके सीधा हमारे पास आते हैं, मतलब कि उड़ने लगते हैं। ये भी आपको दिखाएंगे एक कैमरे में, शायद हो सकता है शाम को आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितना प्यार करते हैं हमसे। तो देख सकते हैं आपको बैक कैमरे दिखाएंगे, पास जूम करके देखियो ये कितना हमें वेट कर रहे, देखो ये कितना ध्यान से लग रहे हैं। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये कैसे खा रहे हैं। ये मैं दे दिया हूँ रोटी, ये खा रही हैं, आपको बैक कैमरे दिखाएंगे अपनी मुर्गी, और देखो ये कैसे इतने अच्छे से खा रही हैं। और ये मैं दरवाज़ा ये खोल देता हूँ ऊपर, ये जो है तो इसमें इसी से निकलते हैं अभी अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों इसमें, देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो था ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम होता था क्या, ये बड़ा वाला दरवाज़ा था, इसमें बिल्ली घुस जाती थी, इसी वजह से बिल्ली खा जाती थी। अब इसमें प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक छोटा वाला गेट लग चुका है, इसी की वजह से बिल्कुल टेंशन फ्री। अब एक भी कबूतर दोस्तों 15 दिनों का कबूतर एक भी नहीं खाया। तो आइए आपको दिखाते हैं मुर्गी। तो मुर्गी का ये घर ये है, देख सकते हैं ये अभी नया नया हाल ताज बनाया था मैं और कादिर भाई ने। तो आइए आपको दिखाते हैं, तो अभी दिखाएँगे आपको। तो देख सकते हैं इतनी मुर्गी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुर्गी मेरा सऊदी लाया है, और ये की सड़ा दे गए दोस्तों। देख सकते हैं ये कितनी मुर्गी लाया है, और इधर पानी में कल डाल के रख दिया था, देख सकते हैं ये। तो मुर्गी इसमें, क्योंकि मैं भी अपने पैसे का खरीद कर लाया हूँ, 15 मुर्गी मेरी खुद की है, यानी कि मैं जिलाने के लिए लाया हूँ, इसलिए कि मेरे दोस्त यार आते हैं पार्टी देने के लिए। मैं मुर्गी 15 जो बड़ी बड़ी मुर्गी दिख रही है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी सफेद सफेद ये मेरी है मुर्गी। और सर देखो दोस्तों दिख रही है ना, जो ठंडी वक्त जूम करके दिखाइए,
देखिए वो बड़ी बड़ी जो मुर्गियाँ हैं दोस्त, उसमें सब उसी का, मेरे सऊदी का ये। और इसमें करीब 2-3 बीमार हैं दोस्तों जो बैठी हुई, देखो ऊपर और नीचे ऊपर। देखो ये बैठी है सामने, जो दिखाई देगी ये सामने जो है इधर, ये दिखाई देगी वो जो देखो लाइटिंग की सामने, उसी के सामने वो बीमार है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़्यादा मेरा सऊदी लाया है। इसमें पानी ख़त्म हो गया, पानी दोपहर का डालेंगे और इसमें छोटे छोटे डिब्बे में है पानी है। तो दोस्तों वीडियो की स्किप मत कीजिए, वीडियो में बहुत कुछ अलग होने वाला है आज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो मैं आज क्या बताने वाला हूँ आपको, क्या कैसे आप बताऊँगा, कैसे क्या हुआ था, क्यों ऐसा होना चाहिए था, कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कि कैसे मतलब कि सऊदी बोल दिया, मतलब कि मेरा कफ़ील बोला कि, मतलब कफ़ील नहीं उसका भाई है मेरा कफ़ील, तो जल्दी इस तरह आता ही नहीं है, क्योंकि वो महीने में एक बार या दो बार आता है बस। तो उसके भाई लोग आते रहते हैं डेली। अभी कल आए थे, मैं टमाटर लाया था अनिस भाई के लिए, तो गाड़ी में रखा था, तो उनकी माँ आई तो पूरा टमाटर उठा के लेके चली गई। तो दोस्तों मैं अनिस को शर्मिंदा करना पड़ा, हमें शर्मिंदा होना पड़ा। अनिस फ़ोन कर रहे थे तो हमें फ़ोन किया था अनिस ने कि यार टमाटर लाए नहीं लाए, तो थोड़ा सा हमें भी शर्म लगी यार कि यार क्या बताएं यार, मेरा कफिल की माँ आई थी, बोले चल लेके चली गई, गाड़ी में रखा था, मैं ध्यान नहीं दिया ना तो उनको ढक देता तो नहीं ले जाती, तो गलती मेरी ही थी दोस्तों, क्योंकि वजह था ना, मैं ढका होता तो वो ले नहीं जाती। तो पूछी तो कि बोली कि रैयान मैं ले लूँ उसको टमाटर, तो हमने कहा ले लो यार। अब एक जवान, मैं हिंदी हूँ, मैं जो कोई आदमी एक जवान बोल देता है तो मैं उसे ना नहीं करता हूँ, दे देता हूँ। तो एक कमेंट आया था दोस्तों, क्या कहते, एक कमेंट आया था भाई क्या, तो बोल रहे थे हराम का खाते हैं आप। मैं भाई किसी का हराम का नहीं खाता भाई, मैं बल्कि मैं खिलाता हूँ, समझ लीजिए मजलिस लेके आता हूँ, वो सब्जी है कुछ भी है, मैं अपने यार दोस्त को देता हूँ, जो काले वाले सिदानी मेरा दोस्त है, इतना जिगरी दोस्त है दोस्तों, वो खुद फ़ोन करके बुलाता है खाने के लिए। बस बसाते क्या हुआ कि मैं गया नहीं उसके पास, 3 या 4 दिन आज हो गया दोस्तों, क्योंकि वीडियो में दिखता नहीं होगा, क्योंकि पार्टी हमारे यहाँ थी, इसी वजह मैं जा नहीं पाया। तो दोस्तों ज़्यादा 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 बड़ी हो जाएगी वीडियो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, तो अभी चलेंगे अलग लोकेशन पे, तो आपको दिखाएंगे क्योंकि कैसा ही होना चाहिए था का नहीं होना चाहिए था ऐसा, तो वो हमारे साथ में हुआ है कल दोस्तों। तो कल जो वीडियो डालता हूँ मैं दोस्तों, एक दिन की वीडियो शूट करके और दूसरे दिन वीडियो डालता हूँ, तो इसी वजह से वीडियो आपको मतलब कि समझ में आती होगी। तो दोस्तों ये मैं गाड़ी यहाँ खड़ी किया था, देख सकते हैं यहीं आई थी उनकी माँ, वो आपको दिखाते हैं, पास चल के दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये डब्बा पड़ा हुआ है, इसे भर के मतलब कि निकाल रही थी गाड़ी से, तो आइए आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी मेरी खड़ी है। तो मैं टमाटर दोस्तों यहीं रखा था इसी में, तो आके ले गई चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा चलो ठीक है ले जाओ, थोड़ा सा दुआ भी देगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि तो हमारे कुछ दुआ तो लग जाएगी। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं बोलते हैं कि हराम का खाते हो, और जो एक भाई हमारे हिंदू वो भी थोड़ा सा गलत बोलते हैं हमारे बारे में, तो मैं उन सब बातों का ध्यान नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो भाई गलत कमेंट करेगा तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो प्यारे से कमेंट करेगा मैं उसके लिए दिल से याद थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए जान है, क्योंकि वजह है वो कम देखता है, पूरी वीडियो को वॉच करता है, वो फालतू कमेंट नहीं करता, बिना देखे वो वीडियो कमेंट नहीं करेगा, वीडियो पूरा फुल वॉच करेगा तो देखे तो कमेंट करेगा। तो इसी की वजह से मैं उनको उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, उन्हीं की वजह से आज है कि मैं 10 के सब्सक्राइबर हो गया दोस्तों। तो मैं 10 के सब्सक्राइबर सेलिब्रिटी नहीं दे पाया दोस्तों, हो सकता है कल या परसों वाले वीडियो में आपको दे दूँ। तो दोस्तों देखो अभी गाड़ी में रखा हूँ टमाटर, मतलब कि मेरे रूम में था तो मैं निकाल के इधर लेके आया रखा हूँ, तो ये 4-5 है झिल्ली भी साथ में लाया हूँ, देख सकते हैं ये करीब होगा 10-12 होगा टमाटर, मैं अनिस को उसको दे दूँगा। तो अनिस से थोड़ा सा नाराज थे, तो हमने कहा यार ला देंगे यार भाई, टेंशन ना लो यार, तो नाराज़ी जताई थी थोड़ी ने। तो दोस्तों बस आप लोग वीडियो में रहिए, चलते हैं आपको दिखाएंगे लोकेशन अलग भी, आपको पूरी बातें शेयर करेंगे। कल रात को हमको उठना पड़ा, क्यों उठना पड़ा, कैसे उठना पड़ा, पूरी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो बनाने के लास्ट तक वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और घंटिया वाला जो है बटनिया दबा दिया करो, ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाए मोबाइलिया पर, ताकि आप देख लिया करो भैया। तो हाँ एक भाई कमेंट आया था, कहाँ से थे, बिहार से थे कोई यादव भाई थे, और एक भाई कौन थे वो झारखंड थे से, तो उन दोनों से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था हमारे कमेंट में, तो उनके लिए भाई सॉरी मैं आपकी बातें रख रहा हूँ।
तो भाई आप लोग मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग लड़ाई मत कीजिए करो। मैं भी भोजपुरिया बोल लेता हूँ, मैं भी बना दूंगा एक वीडियो भोजपुरिया पे। पर एक झारखंडी भाषा है, झारखंड वाली भाषा मैं भी उसको बोल लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड के बिहार के लोग हैं मेरे दोस्त, तो मैं उन्हीं की भाषा देख देख मैं जाता हूँ, तो उन्हीं की भाषा में बोलता हूँ। तो बोलता हूँ तो अभी एक भाषा बोल दिखाते हूँ। तो मेरा दोस्त बोलता है वो कि कहियाँ चली गई ला ओ कन्हैया भैया, तोहरा याद बहुत आवेला। तो मतलब कि वो बोला कहाँ चले गए, तो हमने उसका जवाब दिया कहियाँ नहीं भैया, मैं तो जहिया सऊदी ले जहिया वही काम कर रही है। मतलब कितना बोल नहीं पाता हूँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा जानकारी है, उतना बोल लेता हूँ, बस समझ जाता हूँ भोजपुरिया में। तो झारखंडिया थोड़ा सा कम आते हैं, हम आपको वो भी बात सिखाएंगे। तो आइए अब चलते हैं, लोकेशन दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। तो बस वीडियो में ज़्यादा लंबी होगी, इसी वजह में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं लोकेशन पर, उससे पूरी सारी बात बताएंगे। तो दोस्तों आप गेस कीजिए मैं कहाँ पहुँचाया हूँ। देख सकते पीछे का नज़ारा, ये लोकेशन आपको दिख रहा होगा सामने, मैं कहाँ हूँ। तो दोस्तों बता देता हूँ, क्योंकि आप गेस करोगे गेस गेस नहीं कर पाओगे। तो मैं आ चुका हूँ अनिश भाई के रूम के सामने, यानी मतलब कि। तो भाई अभी तत्काल ने फ़ोन किया सुबह सुबह, तो मैं चला आया। तो बोला था कि टमाटर यार तुम आना लेके जाना, क्योंकि मैं हाथ नहीं ले आऊँगा, क्योंकि मेरा सऊदी देखता है तो थोड़ा नाराज़ हो जाता है, इसी वजह से मैं टमाटर इनको नहीं लेके आया हाथ में। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं। कुछ नाराज़गी तो बहुत होगी कि यहाँ टमाटर नहीं लाया, कैसे क्या, कुछ तो गाली गुफ्ता देंगे ज़रूर। ये मेरा दोस्त है, ये थोड़ा मजाक में बहुत थोड़ा सा गाली भी देता है, मजाक मजाक में देता है बस, ज़्यादा नहीं, मजाक में थोड़ा सा, और समझ जाइएगा क्या क्या गाली देता है वो। तो मैं पहुँच आया हूँ इधर सामने, दिख रहा है उसका रूम, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। शायद ज़्यादा आवाज़ नहीं दूंगा, क्योंकि उनका सऊदी है, इसी की वजह से मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं दूंगा, बस फ़ोन से मैसेज करूँगा, व्हाट्सएप से, बस देख क्या कहता है। तो आइए पास से चलते हैं, आपको जाते हैं। सलाम वालेकुम, गाली मत देना यार, मेरी यूजर बोल देते हैं यार। और भाई क्या हाल है, ठीक है? तो और यार टमाटर दिया, बुल्टी उठा ला, चलो लाई जाते, मुश्किल नहीं, नाराज तो नहीं हो यार, रखा तुम्हारे लिए टमाटर थोड़ा सा खाने के लिए। और तो ठीक है, बढ़िया हो, समझ बढ़िया है यार, मस्त हो। सऊदी आया तो सऊदी के यार तीन गाड़ी आई यार, देखो। तो दोस्तों आज मैं इनको आवाज़ क्यों नहीं दिया आज, क्योंकि इनका सऊदी आता रहता है ना, तो आवाज़ देता तो सऊदी जान जाता है कि कोई बाहर आवाज़ दे रहा है। तो इनको मैं मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, इसी वजह से आ जाते हैं। तो सुनाओ कैसे हैं, क्या बना था कल रात की मुर्गी भूंजे कोयला में? हेलो यार, तो हम सोचे कि बताए तो मच्छी बनाएंगे, मच्छी कैंपिल डॉक्टर आएंगे ना। अच्छा वो पुलिस है या थ्री स्टार वाला? वो नहीं आया तो कोई डॉक्टर आया, अगर होता तो दूध पीता वो भी जरूर। बोला कन्हैया ने क्या, वो दूध बहुत पीता है। तो ये बुड्ढा तो जो साला नहीं, उसका साले की ये है डॉक्टर की। अच्छा गाड़ी क्या बड़ा हार्ड है, फॉर्चूनर है बड़ा साला, बहुत बड़ा डॉक्टर है। चलो ठीक है, तो सुनाओ कैसे? बढ़िया है, हमारे गुजर कह रहे थे अनिश भाई थोड़ा बहुत गाली देते को कहे। सद्दाम भाई है बोल तो यार गाली बोल दिया, मत दिया करें आप वीडियो में, हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम गाली नहीं देंगे, बोल दीजिए हमारे गुजर की नहीं, गाली नहीं देंगे। शरमा रहे क्या यार, दूल्हे की तरह यार, जिसे कि ससुराल में आया शरमा रहे। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं एंड करते हैं, हमारे इनके थोड़ा सा गुपचुप की बातें हो देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन दिखाएंगे आपको, वीडियो बनाने के लास्ट तक। तो दोस्तों जहाँ मैं आया था उधर काम हो गया है, सुल्तानी भाई पास आए थे काले वाले, उधर पूरा काम हो गया दोस्तों, जो काम था। तो ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये बताने वाला काम नहीं है, तो ये सब गुपचुप वाला काम रहता है, क्योंकि उनके हमारे बीच में रहता है। जैसे कि शेयर कर देंगे तो आप बोलोगे यार कि तुम यार ऐसे ऐसे करते हो, यार ऐसे करते हो, इसी वजह से मैं ये बातें शेयर नहीं करूँगा, न ताकि आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लोकेशन बहुत अलग तरीके आ गए दोस्तों, ये यहाँ का बहुत ज़्यादा यहाँ फील्ड है। पहले हम लोग आते थे तो यहाँ पाकिस्तानी बांग्लादेशी और चीन के और कहीं कहीं के यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, यानी पहले हम 6 साल पहले बता रहे हैं आपको। तो यहाँ अच्छा अच्छा बहुत अच्छा प्लेयर थे, यानी मतलब कि लोग यहाँ आते थे, सऊदी भी आते थे, खेलते थे साथ में क्रिकेट। तो यहाँ ये मैदान जो है दोस्तों, मैं जब आया था पहली बार तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर इस समय दोस्तों बहुत मतलब लोकेशन इतना ख़राब हो चुका है यहाँ का, ये यहाँ इतना मतलब गंदगी फैला दी है,
कहीं बकरी मार के फेंक देते हैं, कहीं ऊँट मार के फेंक देते हैं, इसी की वजह से ये फील्ड एकदम खराब हो चुकी है। तो यहाँ लोग आना बंद कर दिए। तो आइए आपको दिखाते हैं जो बकरी मरी है, आपको दिखाएंगे भाई तत्काल में। तो देखो ये जैसे कि ये फील्ड पूरा है यहाँ तक, ये बकरी यहाँ मार के फेंक दी है, इसी की वजह से लोग यहाँ आते नहीं हैं। तो यहाँ बंद कर दिए क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पहले था तो ये मजरा टाइप था, मजरा टाइप का। तो यहाँ जो सरकार थी इसको खरीद के, मतलब सरकार की थी तो खरीद का है, तो कोई आदमी जिसे कि हम इंडियन हैं, पाकिस्तानी किसी कहीं हैं, कहीं बांग्लादेश के, तो इसे पट्टा करा लेते हैं जैसे 10 साल 5 साल 4 साल। तो यहाँ जो कराया था तो अपने इंडियन का था, महाराष्ट्र का था, तो कराया था करीब 3 साल 3.5 साल का ऐसा ये पट्टा था सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। तो पट्टा लिया था कितने हज़ार रियाल शायद याद है, 55-60 हज़ार बता रहा था कोई यहाँ एक सुदानी, वो सुदानी बकरी वाला बता रहा था। तो इसी की वजह से ये मैं जानकारी रखा हूँ 50 से 60 हज़ार तक समझिए, तो 3.5 साल तक था ये। तो दोस्तों बस आइए आपको चलते हैं, लोकेशन दिखाएंगे अलग, इसी वजह आपको भी आता नहीं है, मैं भी आता हूँ थोड़ा सा टहल के चला जाता हूँ सुदानी के पास में। मैं फर्स्ट वीडियो नहीं मतलब लगाऊंगा, तो देखो कैसे ये हमारा काला वाला सुदानी दोस्त कैसे ये झूम रहा है ऐसे ऐसे करके। तो आप लोग देखिए थोड़ा इंजॉय कीजिएगा, कमेंट उसके ऊपर जरूर कीजिएगा क्योंकि वो सुदानी है कैसा कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि हमारा तस्वीर नहीं आना चाहिए, तो हमने कहीं तुम्हारा तस्वीर आएगी ज़रूर। तो आप लोग थोड़ा सा मैं पहले वीडियो लगाऊंगा, आप लोग जाके थोड़ा सा कमेंट को उसके ऊपर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अलग लोकेशन आपको रूम पे, आप भी बातें शेयर करेंगे जो अभी नहीं बताया आपको उसी की बातें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज पैदल ही भ्रमण कर रहा हूँ सऊदी का, ये फील्ड है तो देख सकते हैं मैं कहाँ आ चुका हूँ। ये बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया का यहाँ फील्ड है। ये क्रिकेट मैदान था पहले, यहाँ जो खेला जाता था क्रिकेट मतलब कूरा बोलते हैं यहाँ पैर या वॉलीबॉल। ये मैदान देख सकते हैं पूरा फुल। ये सऊदी का फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकला हूँ यहाँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ ये मेरा नहीं मतलब कि ये नहीं थर्ड वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फेसबुक पे। आप ये जो मैं वीडियो डालूँगा दोस्तों अब डेली ऐसे आएगी ब्लॉग। तो पास में ये सड़क है, इधर गाड़ी जाती आती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो दोस्तों चलते चलते एक लोकेशन और मिला बढ़िया सा आपको दिखाएंगे। तो मुझे यादें आ गई, मेरा कफील पहले रखा था घोड़ा, तो देख सकते हैं ये घोड़ा है दोस्तों, आप दिखाएंगे बैक कैमरे से। हमें बहुत यादें आ गई पुरानी, दो घोड़े हैं और ये शायद उसका बच्चा होगा और ये उसकी ये माँ है। तो दोस्तों आज बहुत पुरानी यादें दोस्तों जूम करके दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं आज बहुत पुरानी यादें याद आ गई। घोड़े पे मैं सवार हुआ था, मतलब कि यानी बैठ के घूमा करता था। तो दोस्तों यही है, देखो आएगी पास में, देखो आ रही है देखो कितने अच्छे से, अभी हम दिखाएंगे इसको देखेंगे। और ये देखो हो सकता है पास में, शेर। इनको चाहे जो भी जानवर, जैसे घोड़े इनका नाम शेखा जोड़ रखते हैं, शेर। तो ये पास नहीं आ रही दोस्तों, थोड़ा सा डर रही क्योंकि मैं नया हूँ, इसी की वजह से नहीं आ रही। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए घोड़ा कैसा लगा, ये बहुत मतलब बच्चा है इसके पेट में, यानी मतलब कि ये लेडीस है, तो उसमें सर वो दिख रहा रज्जाल है उसमें, मतलब रज्जाल को लड़का बोलते हैं तो आदमी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं ऐसा घोड़ा देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये हमें देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भाग गई, दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम में भी, मतलब इस तरह है अपने। तो दोस्तों कल हुआ था क्या आपको बताएंगे, रात को हमें 1:30 बजे, मैंने बोले 1:45 बजे उठना क्यों पड़ा, रात को उठना ही पड़ा कि हमारे सऊदी का दोस्त मतलब बिना बताए बिना कुछ किए अंदर आके चले आए, और ये गाड़ी जो लड़ी थी हमारे कफिल की, दिखाएंगे आपके पास से देख सकते हैं, ये जो गाड़ी लड़ी थी इसको खोल के इधर उधर कर रहे थे। तो रात को मैं उठा, हम के कौन आदमी यार इधर उधर कर रहा है ऐसा चोर की तरह यार खटखट। देखो रात को जैसे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे खटखट आती है आसपास में आवाज़, थोड़ा डर लगता है। तो दोस्तों मैंने सोचा कहाँ ये खटखट हो रहा है, तो ये जो सीट नहीं दोस्तों, देखो ये सीट जो नहीं है ये इसको खोल रहे थे। तो ये मतलब कि मेरा सऊदी ही बोला था, यानी मेरा कफील ही बोला था कि खोलने के लिए, वो हमको बताए नहीं, सीधा डायरेक्ट दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चलाया गाड़ी यहाँ करीब यहाँ
पांच छह गाड़ी खड़ी थी, मैं जब खुला तो हमने कहा, तो उसके बाद मैं अपने कफिल के पास फ़ोन लगाया कि मतलब चोर आ गए, चोर आ गए। तो कहो कौन, तो मैं कहा कि बोला कि तुम जाओ पास में देखो कौन आया है। तो मैं एक डंडी ले, तो मैं अपने रूम में रखा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको डंडी। तो मैं यहाँ देखा तो गाड़ी देखते हुए नंबर पहचान गया उसके दोस्त का, ये हमेशा आता था एक, और उसके बाद दो तो तीन चार नए थे उसके दोस्त। तो मैं जो आया इधर दोस्तों गाड़ी के पास, देखा तो उसका दोस्त, तो हमने बोला कि क्या तुम कर रहे हो, मतलब कि अरबी में यस शो हुई मतलब कि नहीं, काफ़ी गुस्से में। तो मेरा सऊदी बोला कि जाओ देखो तुम क्या है, साथ में खिला। तो हमने कहा कि क्यों चोर की तरह आते हो, यानी सेम किधर अली बाबा की दाई जी, यानी मतलब कि हमने कहा अपने सऊदी से बोला कि ये हमको बताए क्यों नहीं, फ़ोन किए होते ज़्यादा अच्छा था, अभी ना फ़ोन किए आ गए बता दिए, आज खोल के ले चले जाते, बाद में मेरा कफिला आता उसका भाई आते तो बताते इधर का सामान क्या हुआ उधर का सामान क्या हुआ। तो दोस्तों यही कह देना, जब कोई आपके रूम में आए तो सीधा डायरेक्ट कफिल के पास फ़ोन लगाना कि ऐसी ऐसी बात है, तो आपने भेजा है कि नहीं भेजा है, तो बल्कि अपने कफिल को कुछ बोल देना चाहिए कि देखो मैं अगर रूम पे हूँ तो उसको फ़ोन लगा के आना चाहिए, हारन बजा के आना चाहिए, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं घुसना चाहिए चोर की तरह। मैं शायद किस मूड में हूँ, अगर मार दूँ कैसे कर दूँ तो क्या करेंगे, मैं चोर मतलब मैं नहीं पहचान, जैसे उसको नए दोस्त आए थे तीन तो मैं उसको नहीं पहचानता, तो हम चोर समझ के उसको मार देंगे तो बवाल नहीं हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं दोस्तों, रात को हमको अचानक उठना पड़ा, जब आवाज़ खट खट आई तो दोस्तों मैं दंग इतना रह गया दोस्तों कि जैसे कि मैं डर गया काफ़ी कि यार हमने कहा इतनी गाड़ियाँ कैसी आ गई यार। तो मेरा कफिल जब आता है फ़ोन करके आता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब उसके बाद मैं अंदर आया देखा तो यार इतना बवाल, तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो मेरा कहा, मेरा पहले सऊदी से फ़ोन लगा के मैं बात कर लिया सिर्फ, तो उसको बोला कि मेरा दोस्त है, तो मेरे दिल में कुछ तसल्ली हुई। नहीं दोस्तों कसम से मैं आज बहुत रात को घबरा गया था, बहुत डर गया था दोस्तों, क्योंकि कल रात में नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया दोस्तों, समझ लीजिए। बस यही आपको बताना था दोस्तों, क्योंकि वजह था कि इनको देखो जा रहा है ये कहते हैं ये भी इनको भी ये बोलते हैं फार रहे हैं चूहे को। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आपके साथ में ऐसी घटना होगी, होती होगी हमको पता है, जो भाई इस तरह में काम करते होंगे या ड्राइविंग काम करते होंगे, जैसे उनका ये इस तरह में रूम मिला होगा तो उनको अच्छी तरह से जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी होगी क्योंकि रात को आते हैं बताते नहीं हैं और अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद सामान खोखले चले जाते हैं। बाद में काफ़ी बोलेगा कि आपका सामान किधर रखा है मेरा, लाओ तुम ला नहीं पाओगे, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं दोस्तों, जब आप लोग सोइए, जिसे कुकुर निदिया बोलते हैं हम लोग अपने हिंदी में, तो उसी तरह सोइएगा आप लोग हमारी तरह, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि मेरा रूम देखो, ये मेरा रूम एकदम सड़क किनारे है, ये एकदम रोड किनारे है, ताकि उससे क्या होता है जब गाड़ी आती जाती है मेरा कान खट्टा से समझ जाते गाड़ी जा रही है। तो समझ लीजिए दोस्तों, मैं अधिकतर वही के नहीं सोता हूँ, तुरंत खट्टा से जाग जाता हूँ ताकि कोई आए, बसरते कल ऐसा क्या हुआ कि मैं दोस्तों सो गया था, जब आवाज़ आई खट खुट तभी मैं जान पाया, जब गाड़ी अंदर घुसी तब भी नहीं जान पाए, जब दरवाज़ा खोला तब भी नहीं जान पाए। इसी वजह दोस्तों मैं कल बहुत डर गया था रात को। तो दोस्तों देख सकते हैं जब लड़ी थी गाड़ी किसकी हालत कैसी हो गई पहिया की, देखिए आप ये टायर फायर एकदम दग गया भाई। तो बाल बाल मेरा सऊदी बहुत सही है, इसी की वजह से मेरा कफिल बहुत सही है, इसी की वजह से वो बच गया, क्योंकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा दान वान देता है, जैसे हदी वदी बोलते हैं, तो जाता था बाहर तो गरीब वरीब को दे, जैसे हम लोग हैं गरीब और हमारे प्यारे भाई दोस्त हैं थोड़ा सा उनके पास सैलरी कम है, तो वो हदिया फदिया 50 रियाल 20 रियाल 10 रियाल देता था, इसी वजह से वो उसकी किस्मत अच्छी थी बच गया दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही कहेंगे वीडियो में कि आप लोग अगर इस तरह हो तो आप लोग ठीक से सोइए, नहीं तो आप साथ में ऐसी भी घटना घट सकती है अचानक, ये अचानक ही हमारे साथ में हुआ दोस्तों, ये अचानक ही हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं जो डंडा मैं लेके निकला था दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं आपका डंडा, उधर गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ये देखो ये गाड़ियों के निशान बने हुए हैं, देखिए ये देखो पहिया, ये गाड़ी देखो, इसे गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ इधर देखो इस साइड में, देखो ये 4-5 गाड़ियाँ इधर पूरा बना हुआ पहिया, वही गाड़ी खड़ी थी देखो पास में, गाड़ी अंदर जा के जला रही थी, तो देखिए ये इधर देखो गाड़ी जा के उधर मुड़ी थी। तो मैं काफ़ी डर गया था दोस्तों, तो आइए आपको दिखाते हैं डंडा,
जो कि मैं लेके निकला था, शायद या अगर मैं ने पहचान ना पाता तो शायद या मार ही देता। क्योंकि वजह था दोस्तों कि हम पहचान नहीं पाते, जब मारने के बाद हर चीज़ को होता, फिर उसके बाद फिर सऊदी लोग बहुत की। ये कौन शिमला आया यार, हमको पता ही नहीं। दोस्तों देख सकते हैं ये तार रखा हुआ है, पता नहीं कब आया, मैं देखा तो कल था, नहीं था सुबह भी नहीं था, आज देखा अचानक ये पड़ा था। दोस्तों ये हो सकता होगा रात को लेके आया होगा, क्योंकि उसके बाद वो आए थे मेरा कफील, इसी वजह से, मतलब कफील नहीं, उसका भाई आया था, चाय गाँव में बनाया था रात को 2 बजे तक, तो हो सकता वही लाया हुआ, पूछेंगे इसको कौन लाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं जो मैंने डंडा रखा था। तो दोस्तों मैं रूम में आ चुका हूँ, आपको दिखाएंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये डंडा रखा हूँ, यही डंडा लेके निकला था, देख सकते हैं ये। और इसके बाद मैं कुल्हाड़ी भी रखता हूँ पास में, देख सकते हैं ये कुल्हाड़ी भी मैं रखता हूँ पास में, क्योंकि रात को किस जगह से हो जाए तो हमला करना पड़ जाए, तो डर इतना होता है दोस्तों सभी को। मैं तो डर ही गया था दोस्तों, आज की वजह था ना, अचानक कोई ऐसे आता नहीं था, तो जब आते तो हारन सारन बजाते थे, इसी वजह से ये लोग हारन बजाए नहीं, मैं डर गया था इसी वजह से बहुत ज़्यादा। तो मैं इसी का ये डंडा लेके आया था। तो दोस्तों बस यही कहेंगे, तो आप लोग होशियारी से रहा कीजिए, नहीं तो अचानक भी आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है। घटने का मतलब क्या है कि आप समझ जाइए कि कुछ भी सामान चोरी हो जाएगा तो आपके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, जिम्मेदारी आप ही के ऊपर रहती है। क्योंकि कुछ भी चोरी होता तो आपको काफ़ी सीधा बोलेगा और दूसरों को नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम यहाँ सोते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, सोते हो, जागते हो, आपके ऊपर है। अगर आप मतलब दूसरा कोई चोरी करेगा तो आप ही मतलब चोरी साबित किया जाएगा, यहाँ मैं देखा हूँ सऊदी में। तो हमारे दोस्त के पास सलमान है जो, उसके साथ में हुआ था एक बार, तो सऊदी ने लाया नया टायर गाड़ी का, तो उसके रूम के साइड में पीछे उतार दिया। मतलब अब जानते हो वीडियो बहुत आया होगा, सलमान ही पाकिस्तान का मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, हर चीज़ भी जो जाता हूँ चाय साय खिलाता पिलाता, इसमें इसमें थोड़ा तबीयत उसकी ख़राब है तो इलाज विलाज करा रहा है, इसी वजह से उससे बात नहीं पा रहा, मैं जा नहीं पा रहा हूँ था। तो दोस्तों मैं उसके पास मतलब कि गया तो बताने लगा कि यार कन्हैया ऐसे ऐसे टायर मैं रखा था यार, मैं सो गया था, हमको पता नहीं यार टायर क्यों कौन ले गया, मतलब 2 टायर था नया सऊदी ला के रखा था, तो लेके गया। तो वो यार बड़ा डर रहा था अपने सऊदी से बताने में भी कि टायर टायर यहाँ से रखा था कौन ले गया, क्योंकि जिम्मेदारी बोला था कि तुम उसको ध्यान रखना, टायर कोई ले जा ना पाए। तो सो गया दोस्तों, रात को आया उठा ले गया, उसी का दोस्त ही आया था दोस्तों, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए ही खरीदा था टायर, तो शायद बात किया होगा नहीं कि हमको पता नहीं है दोस्तों। तो आके लेके चला गया तो हमको बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है कन्हैया, यार टायर चला गया यार, अब हमको यार पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले नंबर अपने कफील से फ़ोन लगा के बात करो उससे क्या कह रहा है। तो अपने कफील ने फ़ोन लगाया, अब साहद नाम उसका, लगाया फ़ोन, बात किया उससे, बोला कि मीन शील कबर, यानी कबर बोलते हैं टायर को। तो अरविंद बोला मेरा दोस्त ये सलमान, तो बोला आना माफी शील। तो भाई जब बोला कि नहीं ले गया, मैं नहीं ले गया, समझ लीजिए दोस्तों इतना पसीना उसके आ गया दोस्तों, ठंडी में पसीना दोस्तों, समझ लीजिए कि ऊपर नीचे से पूरा पसीना से भीग गया दोस्तों। ये हकीकत बात बताना तो अब सच एकदम है दोस्तों, 1% मेरी बात में झूठ नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके दर्शाने के लिए, जो ये यहाँ होता है आदमी के साथ में वही बता रहा हूँ बस। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सऊदी बुराई कर रहा, जो यहाँ मैं अपने जीवन के रिलेटेड से बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों क्या हुआ, बोला कि नहीं ले गया, तो पसीना हो गया उसको, तो बताने लगा कोई दिक्कत। फिर जो ले गया था तो इसका नंबर पता था वो सलमान का, कि वो फ़ोन किया कि तो सऊदी ने फिर मतलब कुछ से बात किया होगा, हमको पता नहीं डायरेक्टली, मतलब कि बता रहा था ऐसे से। तो फिर उसके बाद तो फ़ोन किया सलमान पास कि आना विलेज, मतलब कि रात को मैं कबर मतलब टायर उठा के ले गया था। तो जाके समझ ले दोस्तों जिम जी होता है, सऊदी से ने बात किया था, वो उठा के ले चला गया था सऊदी, बाद में ऊपर उसके ऊपर बिगड़ रहा था, तो सो रहे थे तुम, देखे नहीं कहिया क्या कर रहे थे रात को, तुमको देखना चाहिए, कुछ भी आवाज़ आनी चाहिए तो आपको उठ जाना चाहिए। तो ये इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप लोग जो भाई इस तरह पर रहते हैं, काम करते हैं, काम धंधा कोई करते हैं, तो आप प्लीज़ कि आप लोग मतलब सोया करो, इस तरह ना सोया करो, क्योंकि आप बाहर हो, अरब कंट्री में हो, मतलब विदेश में हो, आप साथ में कुछ भी घटना घट सकती है, सोइए आप,
दिन में अगर आपको छुट्टी मिलती है दिन में सो लीजिए, रात को थोड़ा ऐसा सोइए ताकि आपको हर चीज़ जानकारी रहे। तो मेरा सऊदी हमको मतलब मेरा काफ़ी लैसे हमको बोलता रहता है कि तू हमेशा वैसे सोया करता कि आपको तुम्हारे ऊपर दिक्कत ना आए। तो इसी वजह से तुम्हें बताना चाहूँगा आप हमारे दोस्तों को जो हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश के हों चाहे पाकिस्तान के हों चाहे जहाँ के हों हर एक विदेश के लिए मैं बता रहा हूँ देश के लिए, तो यही कहेंगे कि आप लोग ठीक से सोइएगा दोस्तों। बस वीडियो में इतना कहेंगे दोस्तों। आज जो हमारे साथ घटना हुई थी मैं दोस्तों बहुत डर गया था, इसी वजह से आप लोग शेयर करना पड़ा। तो आप लोग हमारे लिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे काले वाले सुदानी भाई के दोस्त के मतलब पूरा काले वाले दोस्त के सुदानी मेरा दोस्त उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों एक और जोश के साथ में एक और तड़के के साथ में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए पूरा फुल कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको देखने में अच्छी लगे। अगर चैनल पर नए अगर हों कोई भाई तो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ की बातें बताता हूँ आपको, तो शेयर कर दिया करो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजा दिया करो ताकि पता चल जाए कि ये मैं जब यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और जोश साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।